ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें पूछा है कि प्रोडक्ट पी और क्यू क्या फॉर्म होंगे। तो अब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो स्टार्टिंग में हमें बेंजीन रिंग दी गई है और इसमें फर्स्ट रिएक्शन है HNO3 प्लस H2SO4, तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है HNO3 प्लस H2SO4 और इसमें नाइट्रेशन होगा। तो HNO3 प्लस H2SO4, तो जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनता है। फिर अब हमने ये फर्स्ट रिएक्शन की, अब जो सेकेंड है, अब जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है वो है SN प्लस HCl, मतलब टिन प्लस HCl। तो ये जो टिन प्लस HCl होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो SN प्लस HCl ये रिएक्शन होगी, तो जो ये NO2 ग्रुप है ये रिड्यूस होके, यहाँ अब NO2 रिड्यूस होगा तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा जिसको एनिलीन बोलते हैं। उसके बाद ये सेकेंड वाली रिएक्शन हो गई। अब जो थर्ड है इसमें है HNO2 प्लस CuCN, तब इसमें करते हैं हम HNO2 प्लस CuCN। तो अब जो यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है ये हटकर इसकी जगह साइनाइड आ जाएगा, तो ये बन गया हमारा जो प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट P बन गया। अब जो सेकेंड रिएक्शन है वो है P में SnCl2 प्लस H3O+। तो ये जो रिएक्शन है इसमें SnCl2 प्लस H3O+ में साइनाइड से एल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो हमारी अब सेकेंड रिएक्शन होगी SnCl2 प्लस H3O+, यहाँ जो अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट Q फॉर्म होगा वो ये फॉर्म होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट Q है। तो अब ऑप्शन से मैच करेंगे P और Q किससे मैच हो रहा है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा साइनाइड बना है, तो या तो आंसर थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा। तो 1 और 2 तो रिजेक्ट कर दिए हमने। अब फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है SnCl2 प्लस H3O+ डालने के बाद, वो हमारा बना है ये CHO ग्रुप वाला, इसको बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा थर्ड आंसर। थैंक यू।